मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत हैं। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं भगवान हर इंसान में बसते हैं, और अगर आज ये लोग भगवान नहीं हैं तो ये भगवान से कम भी नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिख सेवादारों की, जिनकी निरंतर सेवा मानवता के लिए एक नई मिसाल बन गई है। इस महामारी के चलते जिस प्रकार हर भूखे को राहत पहुँचा रहे हैं ये सिख सेवादार, यकीन मानो हर दुआ इन्हीं के नाम है। पहली बादशाही श्री गुरु नानक देव जी द्वारा शुरू किया गया लंगर आज 2020 में इस महामारी के वक्त करोड़ों लोगों की जान बचा रहा है। दिल से हम कह रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, भारत सरकार से भी अच्छी सेवा यही कर रहे हैं। ये सदा लोग लंगर ना करें ना तो आधी दिल्ली भूखी मर जाए। सेवा के मामले में दुनिया का इकलौता धर्म जो सेवा के वक्त ना धर्म देखता है, ना कर्म देखता है, ना जात देखता है, ना पात देखता है, यह एक ऐसी कौम है जो खुद भी सीखती है और दूसरों को भी सिखाती है जिंदगी जीने का एक नया ढंग। यहाँ भाई मजदूर फंसे हुए हैं काफी दिनों से कम 700-800 मजदूर हैं, और डेली बंगला साहब से इनके लिए खाने की व्यवस्था होती है। खाने की कमी नहीं है, खाने की बहुत मौज है जी लोगों, किसी की चीज की वो नहीं है कमी यहाँ पे, खाने की पीने की कोई कमी नहीं है, पानी की हर चीज की व्यवस्था बढ़िया है। 24 घंटे में एक बार मिला था हमें। अच्छा, गुरुद्वारा का शुक्रिया कि हम जी रहे हैं, हम मर गए होते अब तक। अच्छा जी, गुरुद्वारा का शुक्रिया। अभी आज खाना खिलाया गया, सारा खाना खराब था, उसमें बासी खाना मिलावट था। यहाँ कर्मचारी आए, खुद ही खाना खाए, खुद ही चखी और बोले कि सही है, लेकिन हमने जब बोला कि खुद खाना खा के देखो सही है कि नहीं सही है, प्रूफ तुम्हारे सामने, बोले सभी की खाना सही है। बताओ, अगर आप लोग का सारा नहीं होता तो हम भूखे मर जाते हैं। यहाँ तक कि बाथरूम में पानी नहीं है, और बोलते कि सारी सुविधा उपलब्ध है। हमें रोड से बाहर जबरदस्ती लाया गया कि वहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है। हम बोले नहीं, हमें घर जाना पड़े, किसी भी तरह हम चले जाएं घर, लेकिन नहीं बोले कि तुम्हें सारी सुविधा वहाँ मिलेगी, चले जाओ। आज यहाँ 3 दिन हो गया, अगर गुरुद्वारे वाले नहीं होते तो हम भूखे मर गए होते यहाँ पे। संदेह अगर करे कोई कलम की ताकत पर, जफरनामा क्या है जरूर पहचान लेना, इतिहास के पन्नों को अच्छे से टटोलना, औरंगजेब की मौत का असली कारण जान लेना। दोस्तों, आपके लिए एक क्वेस्ट छोड़ के जा रहा हूँ, और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आप जफरनामे से क्या समझते हैं, कितने लोगों को मालूम है जफरनामा के बारे में। हमारी नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप आज की वीडियो से क्या सीखते हैं इस बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।